हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आपको मैं तौसीफ अहमद मेरा नाम है, और आपको टर्की का बच्चा पालना है और उसको दाना क्या क्या लगता है, दाने की जानकारी मैं देना चाहूँगा आज आपको। और ये 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने तक आप कैसा दाना यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको सिंपल सा एक फंडा है। 1 दिन से 20 दिन तक का बच्चा को प्री स्टार्टर देना होता है, और कई लोग इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। मगर शुरू के दिनों में बारीक दाना होता है प्री स्टार्टर, और वो दाना 1 से 20 दिन तक देना होता है। उसके बाद दूसरा दाना होता है स्टार्टर। स्टार्टर थोड़ा सा मोटा दाना होता है, और ये दाना आप 30 से 40 दिन 45 दिन जैसा आपको चलाना है। यदि आपके पास दाना ज़्यादा अवेलेबल है तो बिल्कुल आप 2 महीने तक भी चला सकते हैं, मगर नॉर्मली आप उसे 40 दिन तक स्टार्टर आपको लेके चलना पड़ेगा। तो स्टार्टर दाना आप उसको कई दिन तक चला सकते हैं, जैसे कि 40 दिन चला दोगे तो 20 दिन प्री स्टार्टर, और फिर 20 दिन स्टार्टर। इसके बाद आप दाना फिर बदलने की बारी आई तो तीसरा दाना होता है फिनिशर। फिनिशर मोटा दाना और बड़ा दाना होता है, तो ये फिनिशर दाना 40 दिन के बाद या 45 दिन के बाद आप जब तक स्टार्टर दाना ख़त्म करते हैं उसके बाद स्टार्ट करना होता है। तो फिनिशर दाना स्टार्ट करोगे तो फिनिशर दाना कम से कम जब तक स्टार्ट करें, यानी 40 दिन का बच्चा आपका था और वो जब आपने स्टार्ट किया तो 70 दिनों तक आप उसको फिनिशर दाना दो। फिनिशर दाना ऐसा है कि इनका ग्रोथ तो बढ़ाता ही है, ग्रोथ के साथ साथ यानी कि इसमें चमक भी रखता है। ऐसा नहीं कि लोकल दाना हो जाता है फिनिशर और इनको फ़ायदा नहीं करेगा। ये बना हुआ दाना होता है, मार्केट पे भी अवेलेबल है, तो आप 70 दिनों तक तो ये दाना दे सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चा 2 से 2.5 महीने 3 महीने का हो जाता है तो उसको आप नॉर्मली तौर पे घर का बचा हुआ दाना या कम रेंज का दाना या कम कीमत का दाना भी यूज़ कर सकते हैं। जब वो 70 दिन का हो जाए उसके बाद से आप उसे हरी पत्तियाँ भी दें, घर का बचा हुआ सब्जी भी दें, दाना भी दें, रोटी भी दें, तो उसके बाद आप घर का गेहूँ चावल कुछ भी उसको फेंक के भी दे सकते हैं, तो वो खाएगा। और वो ये ऐसा दाना है तो आप उसको आगे तक फिर ज़िंदगी भर दे सकते हैं, उसकी जब तक लाइफ है जब तक आप उसे ये नॉर्मली घर का दाना दे सकते हैं। आप उसमें फिनिशर प्री स्टार्टर और स्टार्टर, ये तीनों की ज़रूरत नहीं है 70 दिन के बाद। नॉर्मली घर का दाना, सब्जियाँ, हरी पत्ती ये सब खिला सकते हैं, और थोड़ा बहुत मक्का, गेहूँ और जो आपके पास अवेलेबल है वो भी खिला सकते हैं। यही था वीडियो आपके लिए, और आपको बता दूं चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू।